क्या शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिवाली के मौके पर भीषण आग लगी। वैशाली के ज्ञान खंड में फर्नीचर मार्केट में कई दुकानें जलकर खाक हो गयी। आग ने आसपास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग में लाखों का नुकसान हुआ है, आशंका है कि पटाखे से आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के जालंधर में कैंट में दिवाली की रात एक बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कोशिशों के बावजूद आग फैलती चली गई, कचरे के ढेर ने इसे और भड़का दिया। हालात बेकाबू होता देखकर एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ा। एयरफोर्स के कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर मौजूद अधिकारियों की आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मुंबई से सटे भिवंडी में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आतिशबाजी की वजह से आग लगी, किसी ने रॉकेट छोड़ा जो सीधे दुकान में जा घुसा। देखते ही देखते छोटी सी आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त दुकान में दिवाली की पूजा चल रही थी, सभी लोग वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के जूनागढ़ में केशोद शहर में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गोदाम के मालिक का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जोधपुर में ऑयल की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 पैसेंजर बोगियों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद यहां धुएं से मुसाफिरों को खासी परेशानी हुई। ये दोनों बोगियां दिवाली के मौके पर इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखी गई थी। मुंबई के डीएन नगर में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले में 1 शख्स की मौत हो गई, 1 गंभीर रूप से जख्मी हुआ। 2 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की, इन पर हमला किया गया, वो इवेंट मैनेजर थे। दिवाली के मौके पर यूपी के एटा में एक दुकान के सामने तेज धमाका हुआ, 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी है। ये धमाका एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर हुआ। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि फुटपाथ के परखच्चे उड़ गए और आसपास की कई दीवारें दरक गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे पूरे इलाके को। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी है। ये धमाका एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर हुआ। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि फुटपाथ के परखच्चे उड़ गए और आसपास की कई दीवारें दरक गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे पूरे इलाके को सील कर दिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शराब तस्कर और पुलिस के बीच में घंटों फायरिंग हुई। शराब तस्कर अपने घर की छत पर छिपकर पुलिस पर गोलियां चलाता रहा। पुलिसकर्मी आरोपी की गोली से बचने के लिए छिपकर गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। आरोपी की मदद के लिए उसके घर वाले भी छत पर खड़े हो गए। इस बीच घर वालों की तरफ से पुलिस पर पत्थर भी बरसाए गए। दरअसल शराब तस्करी की खबर मिलने के बाद पुलिस आरोपी के घर पर छापा मारने पहुंची थी। इसी बीच शराब तस्कर घर का दरवाजा बंद कर छत पर चढ़ गया और गोलियां चलाने लगा। कई राउंड गोलियां चलने से सनसनी मच गई। एसपी सिटी, एसपी देहात और आसपास के थाने से कई दर्जन पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। गांव वालों के साथ पुलिस वाले आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन आरोपी लगातार फायरिंग करता रहा। पूरे 6 घंटे तक पुलिस और आरोपी के बीच में हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। काफी देर बाद पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर आरोपी को नीचे उतारा। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पंकज हरियाणा से शराब लाकर यहां बेचता है। कल दिवाली की रात यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। 4 बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता राजकुमार को 5 गोलियां मारी। तनाव की आशंका देखते हुए पीएसी को तैनात कर दिया गया है। यूपी के फैजाबाद में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान के बेटे आलोक सिंह ने खुद को गोली मार दी।
20 साल के आलोक ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी। गोली आलोक की बाई कनपट्टी पर लगी है। घायल आलोक को फैजाबाद के जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। आलोक की हालत तक को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। आलोक ने खुद को गोली क्यों मारी, फिलहाल ये वजह साफ नहीं हो पाई है। दिवाली की रात घर के सभी लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, तभी अचानक कमरे में जोर से आवाज हुई। घर में मौजूद लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो आलोक खून से लथपथ पड़ा था। आलोक मुन्ना सिंह चौहान के छोटे बेटे हैं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिवाली के मौके पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा स्वर्ण मंदिर रोशनी से नहाया हुआ था, मंदिर की सजावट देखते ही बन रही थी। दियो मोमबत्तियों और लाइटों की मदद से स्वर्ण मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे, वहीं लोगों ने दिए और मोमबत्तियां चलाकर दिवाली मनाई। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काफी देर तक मंदिर के परिसर में बैठे और अरदास की। मंदिर के मुख्य द्वार को लाइटों से सजाया गया था, पूरा नजारा देखते ही बन रहा था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक, सभी ने स्वर्ण मंदिर में अपने तरीके से दिवाली मनाई। दूर से भी स्वर्ण मंदिर का नजारा देखते ही बन रहा था, मंदिर का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जो रोशनी से जगमग ना दिखा। देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने पटाखे जलाकर दिवाली मनाई और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई। पूरा आसमान आतिशबाजी से पट गया, जगह जगह आतिशबाजी के शानदार नजारे दिखे। दिवाली पर क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी ने खूब मस्ती की। छोटे छोटे बच्चे फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाते दिखे। दिवाली मनाने से पुलिस वाले भी पीछे नहीं रहे, दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में जमकर दिवाली मनाई गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पटाखे फोड़कर रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया। दिवाली की धूम बॉर्डर पर भी देखने को मिली, देश की रक्षा में लगे सेना के जवानों ने सीमा पर रोशनी का त्योहार मनाया। जवानों ने पटाखे और फुलझड़ियां जलाकर रोशनी का त्योहार मनाया। दिवाली के मौके पर मुंबई का सीएसटी स्टेशन रोशनी से नहा उठा, स्टेशन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। स्टेशन के चारों तरफ शानदार लाइटिंग की गई, रात के वक्त लाइटिंग की अद्भुत छटा देखने को मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल सियाचिन ग्लेशियर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर पीएम ने जवानों से कहा, देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पीएम ने कहा, सरहद पर आप दिन रात जागते हैं तो देश चैन से सोता है। सियाचिन दौरे की बात करते हुए पीएम ने कहा, ये शायद पहला मौका है जब किसी पीएम को यहां दिवाली मनाने का मौका मिला। पीएम ने सियाचिन में तैनात जवानों की हिम्मत की दाद देते हुए कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। पीएम ने सियाचिन से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और फौजियों को दिवाली की बधाई। पीएम ने ट्वीट किया कि बर्फ की ऊंची चोटियों से अपने बहादुर जवानों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को मैं शुभ दीपावली की कामना करता हूं। पीएम ने लिखा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सियाचिन से दीपावली की शुभकामना। पीएम ने ट्वीट में लिखा, मैं समझता हूं कि प्रणब दा को मिली बधाइयों में ये अनोखी होगी। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने पीएम के सियाचिन दौरे पर तंज कसा। शकील अहमद ने कहा कि पीएम को बॉर्डर पर एक रात बितानी चाहिए ताकि उन्हें पाकिस्तान की गोलीबारी से होने वाली मुश्किल का पता चल सके। सियाचिन के छोटे से दौरे के बाद मोदी श्रीनगर पहुंचे। यहां पहुंचकर पीएम ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और अधिकारियों से राहत कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ अकेले में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने पीएम को हालात की जानकारी दी। श्रीनगर पहुंचकर पीएम ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 745 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इनमें से 175 करोड़ रुपए 6 बड़े अस्पतालों की मरम्मत के लिए दिए गए हैं, जबकि बाढ़ में बर्बाद हुए मकानों की मरम्मत के लिए 540 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम का यह ऐलान राज्य सरकार की 44,000 करोड़ की मांग से कहीं कम है। 44,000 करोड़ की मांग पर पीएम ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है। पीएम ने केंद्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार में मेमोरेंडम पर तेजी से कार्रवाई की जाए। इस दौरान पीएम से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कारोबारी संगठनों के डेलीगेशन भी मिलने पहुंचे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पीएम की इस घोषणा को नाकाफी कहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ जवानों ने भी दिवाली मनाई, पूरे रीति रिवाज से मां लक्ष्मी की पूजा की। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद जवानों ने रंगोली बनाई और जमकर आतिशबाजी की। दिवाली के मौके पर भारत और बांग्लादेश की सेना के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई देकर बधाई दी। त्रिपुरा के अखौरा में बीएसएफ के डीआईजी ने बांग्लादेशी सेना के अफसरों को मिठाई दी।
राजस्थान के माउंट आबू में विदेशी सैलानियों ने भी जमकर दिवाली मनाई। रूस और अमेरिका से आए इन विदेशी सैलानियों ने फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई। दरअसल माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें विदेशी सैलानी भी शामिल हुए और दिवाली मनाई। दिवाली के दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी जारी रही। गुरुवार को पाकिस्तान ने जम्मू और सांबा जिले की कई पोस्ट पर गोलीबारी की। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार रात को अरनिया और रामगढ़ में फायरिंग की। जम्मू कश्मीर की सीमा पर चल रहे तनाव का असर अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर भी दिखा। इस बार बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को दिवाली की मिठाई नहीं बांटी। पाकिस्तान ने भी ईद के मौके पर भारत को मिठाई नहीं दी थी। ईद के दिन भारत ने जो पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई दी तो वो लौटाई गई। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र में सीएम पद के दावेदार का चुनाव 27 अक्टूबर को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 27 अक्टूबर को राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मुंबई जाएंगे और विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र का सीएम बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन तमाम अटकलों को खारिज कर चुके हैं जिसमें उन्होंने सीएम पद का प्रबल दावेदार उन्हें बनाया जा रहा था। गडकरी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता। गडकरी ने यह बात नागपुर में अपने घर पर फडणवीस के साथ हुई मुलाकात के बाद कही। गडकरी ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को वो खुद सियासत में लेकर आए हैं। गडकरी ने कहा मेरे और फडणवीस के बीच में स्पर्धा की खबरें गलत हैं। गडकरी से मुलाकात पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो उन्हें दिवाली की बधाई देने आए थे। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में रविवार 26 अक्टूबर को होगा। इससे पहले शपथ ग्रहण का स्थान पंचकुला के सेक्टर 5 का मेला ग्राउंड तय किया गया। पहले पंचकुला के ताऊ देवी लाल मैदान पर यह कार्यक्रम होना था, मगर प्रशासन को लगता है कि यह मैदान छोटा पड़ जाएगा। बीजेपी ने ओडिशा इकाई के उपाध्यक्ष अशोक साहू को निष्कासित कर दिया है। साहू पर सोशल मीडिया में पार्टी विरोधी बयान देने का आरोप लगा। माना जा रहा है कि साहू कंधमाल में बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर नाराज चल रहे थे। छठ पूजा के मद्देनजर स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली में आज से 29 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे के मुताबिक 24 से 29 अक्टूबर के बीच में खास हालात में ही प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। छठ पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर भीड़ हो जाती है। ब्लैक मनी पर स्विस बैंक ने खाता धारकों की परेशानी बढ़ा दी है। स्विस बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 खाता धारकों को खाता बंद करने के लिए कहा। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। अखबार में यह भी लिखा गया है कि इन 4 खाता धारकों में तो 3 मुंबई के 1 दिल्ली का है। आज बलि प्रतिपदा के मौके पर शेयर मार्केट बंद रहेगा। कल बाजार ने विक्रम संवत 2071 का आगाज बढ़त के साथ किया। पूरे ट्रेडिंग में सेंसेक्स 63 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी 8000 के पार हो गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नाले में एक मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये बच्चा 14 अक्टूबर से लापता था। घर वालों का आरोप है कि ऋषिपाल नाम के एक शख्स ने उनके बच्चे का अपहरण किया फिर उसकी हत्या कर दी। यूपी के गोंडा में एक बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों की जान ले ली। ये ट्रक एक घर में घुस गया, सो रहे 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अमरोहा जिले में बस और टैंकर की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यासा NH24 पर गजरौला के पास हुआ। बिहार के छपरा में पत्थर मार मारकर एक युवक की जान ले ली गई। ये झगड़ा घर के सामने कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुआ। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में सीसीटीवी कैमरे में एक मोबाइल चोर पकड़ा गया है। आरोपी ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के काउंटर पर से दुकानदार का मोबाइल फोन ही गायब कर दिया। पीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहां जूनियर छात्र के साथ सीनियर्स ने मारपीट की। आरोप है कि मीत मिनारे नाम के छात्रों के साथ एमबी थर्ड ईयर और एमबी सेकेंड ईयर के छात्रों ने 9 अक्टूबर को मारपीट की। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 3 दिन से 8 नवजात बच्चों की मौत हो रही है। ज्यादातर बच्चों की मौत तक कमजोरी की वजह से हो रही है।
मालदा में अज्ञात बुखार की चपेट में आने से 50 से ज्यादा मरीजों की उन्हें भर्ती करवाया जा चुका है। दिल्ली के बवाना इलाके में कपड़े के जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि वहां जूतों के अलावा गत्ते और कबाड़ रखे थे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री के चौकीदार के मुताबिक आग कहीं से आकर गिरे पटाखे से लगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जमकर दिवाली मनाई और लोगों को दिवाली की बधाई दी। शिवराज ने फुलझड़ियां जलाई और लोगों से भाईचारे के साथ दिवाली मनाने की अपील की। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ में शामिल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाई। घर पर दिवाली मनाते हुए उन्होंने जनता को दिवाली की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने अपने दिल्ली आवास पर परिवार संग दिवाली मनाई। इस मौके पर उनके साथ बेटे चिराग पासवान भी मौजूद थे। रामविलास पासवान ने फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई। दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर धूमधाम से काली पूजा मनाई गई। सफेद साड़ी पहनी ममता बनर्जी मां काली की पूजा और हवन करती हुई नजर आई। इस दौरान वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी ने पूरी श्रद्धा से काली माता की पूजा की। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा की और मां का आशीर्वाद लिया। नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी ने जयपुर के बाल आश्रम में बच्चों के बीच दिवाली मनाई। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने लखनऊ में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। राज्यपाल ने इस मौके पर बच्चों को मिठाइयां और पटाखे बांटे। देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी दिवाली मनाई। भगवान राम की आरती उतारी और हिन्दुस्तान में अमन चैन की दुआ की। दिवाली पर गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। पूरा मंदिर रोशनी से नहाया हुआ था। दिवाली के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिवाली के मौके पर गोवा में शानदार झांकी निकाली गई। झांकी में दिखाया गया कि जैसे भगवान ने राक्षसों का अंत किया था, वैसे ही आज के समय में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का संहार होगा। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। दिवाली के मौके पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में भव्य आरती की गई। महाकाल की यह भव्य आरती फुलझड़ियों से की गई और जगमग रोशनी के बीच महाकाल की आरती। दिवाली की आरती के मौके पर महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने मंदिर के बाहर अनार और पटाखे फोड़कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। शिरडी के साईं बाबा के दर पर धूमधाम से दिवाली मनाई गई। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने बाबा के दर पर माथा टेका। साईं भक्त मानते हैं कि दिवाली के दिन ही बाबा ने पानी से दिया जलाकर चमत्कार किया था, इसीलिए भक्त दिया जलाकर साईं मंदिर को रोशन करते हैं। बिहार के बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाई। गुजरात के पाटन में अमित शाह ने अपने परिवार के साथ बहुचर माता के दर्शन किए। दो राज्यों के चुनाव में सफलता के बाद शाह माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। अमित शाह कड़ी सुरक्षा के बीच महसाणा के बहुचरा जी में बने मां बहुचर के दर्शन के लिए पहुंचे थे। अमित शाह जब यहां पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली जल बोर्ड ने 100 अवैध कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाने का टारगेट तय किया। आज देश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के दौरान घर में गोबर के गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। आज सूर्य ग्रहण है लेकिन ये भारत में नहीं दिखेगा। आज होने वाले सूर्य ग्रहण का आंशिक असर होने का अनुमान है।